जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का हिस्ट्री चैप्टर 2 के बारे में, जिसका टॉपिक है नए राजा और उनके राज्य के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये मैप देखें, यहाँ पर बहुत सारे राजवंशों का नाम लिखा है, जैसे कि चाहमान जो बाद में चौहान कहलाने लगे, पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार, चोल। ये सब जो आपको राजवंश दिख रहे हैं, ये सत्ता में किस तरह हैं, इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो हम शुरू से शुरू करते हैं, इसका टॉपिक है नए राजा और उनके राज्य के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजवंशों का उदय किस तरह हुआ। अब सपोज कर लेते हैं राष्ट्रकूट राजवंश को हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। राजवंशों के उदय में दो सब टॉपिक में मैंने बांट दिया इसको। पहला जो है वो है बड़े भूस्वामी और सरदार। ये धीरे धीरे बड़े होते थे, ये राजा के मातहत काम करते थे, यानी उनके अंडर में काम करते थे, और धीरे धीरे जैसे जैसे इनके पोस्ट बढ़ते जाते थे, ये अपने आप को कभी कभी महामंडलेश्वर इत्यादि जैसे बड़ी बड़ी दमदार फौलाद टाइप उपाधियां धारण कर लेते थे, यानी कि जो बोलते हैं ना टाइटल धारण कर लेते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि इनके पास इतनी ज़्यादा शक्ति आ जाती थी कि ये कहते थे नहीं भाई अब हम ही डॉन है, जो है हम ही हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिले। तो अगला जो दूसरा एग्जांपल हम देख रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हम राष्ट्रकूट के बारे में देखेंगे। जैसा कि कर्नाटक के जो राजा हैं उनके अधीन एक व्यक्ति काम करते थे जिनका नाम था दंतिद्रुप, जो कि राष्ट्रकूट के प्रधान थे। तो उन्होंने क्या किया, चालुक्य के राजा को हराया, और उन्हें को हराने के बाद वो जो जगह है वो उनके अंडर में आ गई। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों के द्वारा एक अनुष्ठान होता है जिसका नाम होता है जिस अनुष्ठान का नाम है हिरण्यगर्भ। इसका मतलब होता है सोने का गर्भ। ये अनुष्ठान सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाता था, और ये कराने से ये होता था कि अगर आप किसी और जाति के भी हैं तो ये अनुष्ठान कराने से आप क्षत्रिय हो जाते हैं। क्षत्रिय का मतलब होता है अपने प्रदेश की रक्षा करना, जंग लड़ना इत्यादि जैसी चीज़ें। तो ये अनुष्ठान उन्हें क्षत्रिय बना देता था। बहुत सारे ब्राह्मण भी क्षत्रिय बने हैं इसी अनुष्ठान के द्वारा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी राजवंश का उदय किस तरह से हुआ, कैसे कैसे ये आगे बढ़े। तो जाहिर सी बात है, हराएं एक इंसान जब दूसरे राजा को हरा देता तो वहाँ पर बेसिकली उसका कब्जा हो जाता है, और इसी तरह करके राजवंश का उदय होता है। हम इसके आगे बढ़ेंगे प्रशस्ति अनुदान। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, जो अपने बारे में अच्छा बोले बुरा बोले ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर मतलब होता प्रशंसा, यानी उसके बारे में अच्छा बोले। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि राजा क्या जनता को किस तरह दिखाना चाहता है कि वो किस तरह है, या फिर वो इतिहास में अपने आप को किस तरह से दर्शाना चाहता है, वो किस तरह का अपना कैरेक्टर दिखाना चाहता है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर में डिपेंड करता है। तो हमने प्रशस्ति क्या होता है ये चीज़ में हमने देख लिया। अनुदान, अनुदान का मतलब होता है उपहार, ऐसा गिफ्ट वाउचर जो आप समझ लें। तो बहुत सारे ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया जाता था, यानी कि भूमि गिफ्ट में दिया जाता था, और ये जब दिए जाते थे तो उसको ताम्र पत्र होता है जिसके ऊपर अभिलेखित क्या होता है, यानी कि फिर खुदा हुआ होता है वो भूमि अनुदान जिसको दिया जा रहा है उसका नाम लिखा होता है, और बाकी सब तामझाम लिखने के बाद लास्ट में राजसी मोहर होता है, यानी कि जिस राजा ने दिया है उसका मुहर होता है। तो ये चीज़ हमने अच्छे से देख ली। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें प्रशस्तियों के द्वारा पता चलता है। तो उनमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि 12वीं या 13वीं शताब्दी के आसपास एक संस्कृत काव्य की रचना हुई थी, जिसकी रचना कलहन ने की थी, जो कि बेसिकली कश्मीर में हुआ था। तो इसमें बहुत ज़्यादातर प्रशस्तियों में यही लिखा गया जो राजा होते थे
जो राजा होते थे उनके बारे में ज़्यादातर अच्छी चीज़ें पता चलती थी, ना कि बुरी चीज़। तो एक कलहन की जो कृति थी या इनकी जो रचना थी उनमें ज़्यादातर राजाओं के बारे में उनके आलोचनात्मक यानी उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया था। तो इसलिए ये जो कृत्य है या फिर ये काव्य है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि कि जहाँ पर सारे लोग राजा को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे वहीं पर कलहन ने एक आलोचनात्मक दृष्टि अपनाई है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इतिहासकारों को लगता है और शायद है भी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। धन हेतु युद्ध, धन के लिए बहुत टाइम पर युद्ध होते रहे, आप सभी को पता होगा। अगर कोई साम्राज्य के पास पैसे कम है या फिर उनके पास सेना कम है या फिर उनके पास क्षेत्र कम है तो जाहिर सी बात है कभी कभी वो धन के लिए युद्ध लड़ते थे, कभी कभी ज़मीन के लिए युद्ध लड़ते थे और कभी कभी तो पर्सनल तामझाम के लिए लड़ लेते थे, चलो यार आओ हम किसी से कम नहीं, इस तरह करके वो एक दूसरे से लड़ लेते थे। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है त्रिपक्षीय संघर्ष, इसमें पाल राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश और गुर्जर प्रतिहार राजवंश, ये तीनों राजवंश आपस में अक्सर लड़ते रहते थे कन्नौज के लिए, जिसके वजह से विद्वानों ने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया, क्योंकि यहाँ पे तीनों राजा आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे बिकॉज ऑफ कन्नौज। ठीक है, उसके बाद है सुल्तान महमूद, जो कि 997 ईस्वी से लेकर के 1030 ईस्वी तक, उसका मेन मकसद ही था लूटना खसोटना, लूटने के बाद जो भी चीज़ें मिलती थी वो बेसिकली वो गजनी ले जा करके वहाँ जा कर के अपने राज्य को सजाने और अपनी सेना बढ़ाने, अपने वित्तीय प्रॉब्लम जितने भी थे, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे उनको ठीक करने में वो सारा लूटा हुआ खजाना वहीं पर यूज़ करता था। तो जैसा कि पता होगा कि उसने इन सब चीज़ों के लिए कई मंदिरों को बेसिकली बहुत ज़्यादा मेन मंदिरों को निशाना बनाया जाता था उस वक्त, इसने ये बनाया था जो सबसे बड़ी मंदिर जो कि स्थापत्य कला का बहुत अच्छा बहुत मस्त बहुत गदर आर्किटेक्चर था जो कि सोमनाथ मंदिर का था बेसिकली, तो वहाँ इसने वहाँ पर लूटा और बहुत सारे धन इकट्ठा हुआ और इन धन को जो इकट्ठा हुआ वो उसने ले आकर के अपने गजनी जो कि राजधानी थी उसकी, उसने उसको चमकाया धमकाया एकदम बहुत सारे ड्रामे किया। तो उसको एक चीज़ का और शौक था, उसने जितने भी लोगों को वो भारत से लेके गया था तो उसमें बहुत सारे विद्वानों को लेकर के वो गजनी ले गया था, तो उसमें उसने एक व्यक्ति को लिया था जिसका नाम था अलबिरूनी, उसने एक किताब लिखी थी किताबुल हिंद। तो इन सब चीज़ों के बारे में उनसे ही पता चलता है, उनके कृति किताबुल हिंद से ही पता चलता है कि उस वक्त क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सोमनाथ मंदिर के साथ क्या हुआ, उस पर अटैक क्यों किया गया था, वहाँ पर से जो भी धन इकट्ठा गया वो कहाँ लेकर गया, इन सब चीज़ों के बारे में हमें किताबुल हिंद से पता चलता है जो कि अलबिरूनी ने लिखी थी। हम आगे बढ़ते हैं, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, इसको बेसिकली हम पृथ्वीराज थर्ड बोलते हैं, जो कि 1168 से 1192 तक उन्होंने राज किया, जिन्हें चौहान बोला जाता था, पहले इन्हें चाहमान बोला जाता था, उसके बाद फिर बाद में इनका नाम धीरे धीरे चौहान हो गए। ये बेसिकली दिल्ली और अजमेर के आसपास के इलाकों में रहते थे। तो मोहम्मद गौरी, जिसे आज भी लोग लुटेरा कहते हैं और शायद था भी, तो ये लुटेरा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंच गया और इसने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध भी लड़ा और सबसे पहले तो ये हारा, पृथ्वीराज चौहान ने पूरे दमखम के साथ इसे हरा दिया। उसके बाद फिर 1192 में वो फिर से वापस अपनी सेना लेकर गया और अंततः दुखद सैडली पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया। तो ये धन के लिए युद्ध बहुत बार हुए, ये हमने ये चीज़ देख ली। अब हम आगे जो एक मेन टॉपिक है चोल राज्य के बारे में एकदम अच्छे से एज अ एग्जांपल एकदम डीपली थोड़ा ज़्यादा डिप्थ एनालिसिस के साथ हम चेक करेंगे कि आखिर क्या था उनका प्रोसीजर, क्या था एडमिनिस्ट्रेशन, क्या था एग्रीकल्चर, कैसे चलता था उनका,
रेवेन्यू किस तरह से आता था, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इसके आगे देखते क्या है। तो चोल राज ये किस तरह सत्ता में है। तो बेसिकली मुट्टर यार, यार होता है क्या ना, अब कुछ लोग बोलेंगे ये हिंदी में मुट्टर यार ऐसे नहीं होता है, ये गलत स्पेलिंग है। तो भाई बहुत बहुत हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हिंदी में ऑटोकरेक्ट हमेशा गलत ही होता है। तो हम बैक गेट टू द पॉइंट, चोल राज के ऊपर इसका कब्जा किस तरह हुआ, तो इस चीज़ के बारे में हम देखते हैं। तो मुट्टरियार और पल्लव एक छोटे से मुट्टरियार का इलाके पर कब्जा था, चोल राज्य के ऊपर कब्जा था, जो कि बेसिकली पल्लव के राजवंश के अंतर्गत आता था। तो चोल वंश, चोल के जो राजा थे विजयालय, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आक्रमण किया और मुट्टरियार को हरा दिया और उसके बाद फिर उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और चोल वंश में जो मेन जो दो राजा थे, जो कि बहुत ज़्यादा उनको माना जाता, बहुत ज़्यादा योग्य शासक थे, उनके अंदर सैनिक शक्ति थी, वो इतना दम कम रखते थे कि वो बहुत सारे एरिया को कवर कर सके, विस्तार कर सकते, अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके, मतलब बेसिकली धीरे 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 करके अपने साम्राज्य को बढ़ाते चले जाए। जिनमें विजयालय थे जो कि चोल राज के संस्थापक माने जाते हैं, दूसरा राजराज जो कि 985 में उनका काल माना जाता है, और राजेंद्र प्रथम। राजराज और राजेंद्र वन ने बहुत सारे चेंजेस किए और विजयालय के बहुत सारे चेंजेस को आगे बढ़ाते रहे। राजराज के बेटे राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता के कार्यों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। अब इसके आगे हम बढ़ते, इस तरह तो हमें ये देख लिया कि ये सत्ता में किस तरह से है। अब सत्ता में रहने के लिए कोई चीज़ तो चाहिए, तो गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर उन्होंने इनका निर्माण कराया। और बेसिकली ये बहुत बड़ी मंदिर है, अपने स्टार्टिंग फ़ोटो में जो मेरा थंबनेल था उसमें आपने देखा होगा। तो गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर ये इम्पोर्टेंट क्यों था, ये इम्पोर्टेंट सिर्फ इसलिए था क्योंकि ये जिस ज़मीन पर बनाया गया था वो बेसिकली किसान, राजा, नर्तकी, बहुत सारे लोग की ज़मीन थी और इसमें ज़्यादातर योगदान राजाओं का था, तो उस पर ये बनी। और इसके आसपास का जो सारा क्षेत्र था वो ये क्षेत्र सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण ना हो करके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग रहा करते थे, बेसिकली यहाँ पर आसपास जो खेती होती थी उसमें किसानों का बहुत ज़्यादा योगदान था। शिल्पकार, आर्किटेक्चर, क्योंकि कांच से प्रतिमा यानी मूर्तियाँ बनाते थे उस वक्त में, सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ बनती थी वो बेसिकली देवी देवताओं की होती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब उत्कृष्ट था, जिसको बोलते हैं ना बहुत ही क्रिएटिविटी लेवल, उस लेवल पर ये कांस्य प्रतिमाएँ यानी कि मूर्तियाँ बनाई जाती थी, जो कि उस वक्त क्या आज भी आर्किटेक्चर में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पुरोहित, बावर्ची, शिल्पकार और प्रतिमाओं ने लोगों को महत्वपूर्ण जीवन दिया, क्योंकि अगर कहीं पर एक मंदिर है तो उस वक्त यही होता था, अगर यहाँ पर मंदिर है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर यात्राएं करने आते थे, तो ये बहुत सारे लोग, कुछ लोग दुकानें लगाते थे, कुछ लोग मूर्तियाँ बनाते थे, कुछ लोग खेती करते थे, कुछ लोग बागवर्ची थे, कुछ लोग डांस नर्तकी थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से एक मंदिर होने के कारण वो ना सिर्फ धार्मिक केंद्र था बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था। हम बात करेंगे कृषि किस तरह की थी और सिंचाई बेसिकली किस तरह थी। कावेरी नदी बेसिकली खेती के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिंचाई। अब जब तक सिंचाई या फिर पानी नहीं मिलेगा तब तक खेती होना नामुमकिन है। तो सबसे जो मेन चीज़ थी जिसकी वजह से कृषि का विकास हुआ वहाँ पर, वो था कावेरी नदी, और उसकी कई शाखाएँ थी जो धीरे धीरे बंगाली खाड़ी तक जाने में कई शाखाओं बढ़ जाती थी। और उसके जो पानी जो बहता था उलझता था, उससे क्या होता था कि आसपास बालू, रेतीला मैदान
सामने आता था और जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता था, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता था, तो जिसके वजह से धीरे धीरे कृषि का विकास हुआ। एक्चुअली में तमिलनाडु के आसपास बहुत सारे इलाकों में ऑलरेडी कृषि का विकास हो चुका था, लेकिन बहुत सारी जगह उसके बाद भी ऐसी बहुत सारी जगह बची हुई थी जहाँ पर कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित कुछ मानव निर्मित सोर्सेस बनाए जाने पड़ते, क्योंकि हर जगह बारिश और हर जगह नदी नहीं पहुंच सकता। उसके लिए बहुत सारे सरोवर बनाए गए, यानी छोटे छोटे बांध बनाए गए, छोटे छोटे सरोवर बनाए गए, छोटे छोटे कुएं बनाए गए, जिसकी वजह से सिंचाई करना और ज़्यादा आसान हो, क्योंकि नदी हर हर खेत में तो पानी दे नहीं सकता। तो सिंचाई बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट लेवल का था कृषि का, इसी वजह से विकास हुआ। और ऑलरेडी तमिलनाडु में कृषि का विकास ऑलरेडी बहुत पहले हो चुका था, एक दो सदी पहले ही। तो हम इसके बाद अब इसके बाद हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था। तो बेसिकली किसान की बस्तियां हुआ करती थी जिनका नाम उर होता था, और इस तरह के जो भी समृद्ध किसान थे उनके उनके घरों को समूह को नाडू कहा जाता था, ठीक है। नाडू ग्राम परिषद और वे लाल जाति के धनी किसान प्रशासन में मदद करते थे। नाडू क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया गांव का एक समूह जो कि किसान होता था, वो ग्राम परिषद जो गांव को चलाने के लिए जो बेसिकली एक परिषद होती है जिसमें कुछ लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि गांव में क्या चीज़ की कमी है, क्या करना चाहिए, कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, प्लानिंग बनाते हैं और उसके ऊपर उसके बाद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और वे लाल जाति बेसिकली धनी किसान होते थे जिनका अच्छा खासा कंट्रोल होता था ग्राम परिषद और नाडू के ऊपर, और इस तरह के बहुत सारे जो पोस्टेड पोस्ट होते थे जो कि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होते थे, वहाँ पर ज़्यादातर लोग अनुवांशिक यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बाप दादा बेटा वैसे ही लोग बैठा करते थे, वंशानुगत था। और बेसिकली वहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मणों की बस्ती भी अस्तित्व में थी, तो ब्राह्मणों से रिलेटेड बहुत सारे जो ब्राह्मणों को जो चीज़ें मिलती थी या फिर ब्राह्मणों के पास जो चीज़ें होती थी उनका जो समूह होता था उनकी देखभाल के लिए बेसिकली ब्राह्मणों का एक समूह होता था जो कि उनके बहुत सारे डिसीज़न लेता था और उससे रिलेटेड उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और नगरम जैसे ही बहुत सारे ऐसे समूह थे जो कि प्रशासन में मदद करते थे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में ज़्यादा कुछ खास था नहीं, यही टॉपिक था वो मैंने कवर कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट में सजेशन करके भेजें कि मुझे किस चीज़ में इम्प्रूव करना चाहिए और किस चीज़ में नहीं करना चाहिए, क्या ठीक है क्या बुरा है, ये सब चीज़ें आप प्लीज़ कमेंट में करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपके दोस्त जो इस तरह की पढ़ाई करते हैं या फिर इस तरह की कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। और एक चीज़ और, कीप स्टडिंग एंड बिलीविंग योर सेल्फ। जय हिंद दोस्तों, अगर आप इसी तरह पढ़ते रहें तो मैं आशा करता हूँ कि आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। कीप डूइंग। जय हिंद, वंदे मातरम।